कृषि विधेयक पर सरकार झुकेगी और उसे वापस लेगी या सिर्फ संशोधन ही करेगी, इसे लेकर सरकार और अन्नदाताओं के बीच अब तक समझौता नहीं हो पाया है। अन्नदाता जहां तीनों कृषि विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, सरकार और अन्नदाताओं के बीच 9 दिसंबर को बैठक होगी। लेकिन इससे पहले 8 दिसंबर को अन्नदाताओं ने भारत बंद का ऐलान कर रखा है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आज भी उनका प्रदर्शन चलता रहा, जहां कई दलों के नेता भी पहुंचने लगे हैं। तो आज दिन भर क्या रहा खास और कल भारत बंद की क्या है तैयारियां, देखिए रिपोर्ट में। नए कृषि कानूनों का विरोध देश में तेज होता जा रहा है। कल अन्नदाताओं ने भारत बंद का ऐलान किया है, जिसका 20 से ज्यादा राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अन्नदाताओं के भारत बंद को देखते हुए राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सुनिश्चित करे कि भारत बंद शांतिपूर्वक हो और किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो। अन्नदाताओं की ओर से कहा गया कि 8 दिसंबर को भारत बंद के दौरान दोपहर 3 बजे तक सड़क जाम की जाएगी, लेकिन जरूरी सेवाओं को इससे अलग रखा जाएगा और बंद शाम तक रहेगा। दिल्ली का सिंघू बॉर्डर अन्नदाताओं के आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी आज यहां पहुंचे और आंदोलन को अपना समर्थन दोहराया। दिल्ली में 30 खिलाड़ियों ने भी अपने पुरस्कार वापस करने के लिए राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च किया, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। यूपी के लखनऊ में पूर्व सीएम अखिलेश यादव अन्नदाताओं के समर्थन में कन्नौज जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। बाद में अखिलेश ने धरना दिया। अन्नदाता के समर्थन में कांग्रेस सहित 11 दलों ने बयान जारी किया है, जिसमें अन्नदाताओं की मांग पूरी करने और नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई है। अब सभी की नजरें 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद और 9 दिसंबर को अन्नदाताओं और सरकार के बीच होने वाली बातचीत पर लगी है। वैसे सरकार की ओर से तो अभी भी संकेत यही दिए जा रहे हैं कि वो कानून वापस नहीं लेगी। हाँ, अन्नदाताओं की चिंता पर वो कानून में संशोधन जरूर कर सकती है। ऐसे में अन्नदाताओं का ये आंदोलन आगे भी जारी रह सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।